वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, फ्रेशर, बीएससी पास आउट, एमएससी पास आउट और एमएससी फ्रेशर, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जॉब नहीं मिल रही है और जॉब की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या कहीं जॉब मिल रही है तो अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, उल्टे सीधे कार्य करा रहे हैं, फील्ड में मार्केटिंग करा रहे हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैंने बनाया है। अगर आपको 100% टेक्निकल स्किल चाहिए, साथ में अच्छा जॉब चाहिए, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरी गारंटी के साथ आपको जॉब मिल जाएगा, 100% आपको जॉब मिलेगा और आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपका एग्री एग्रो नॉलेज पार्टनर डायरेक्टर मोहम्मद हबीब कादिर, आर एन एग्री एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों देखिए कि भारत में क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर विद्यार्थी कर तो लेते हैं, मगर उनको जॉब मिलने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। उसकी एक मुख्य वजह है कि यहां पर पर्टिकुलर उन्हें स्किल नहीं किया जाता। अगर उन्हें पर्टिकुलर यहां पे स्किल किया जाए तो जो उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं वो उनको हायर कर सकती हैं, मगर यहां पर क्या है, मिक्सअप एजुकेशन उनको दे दिया जाता है, जिससे कि नए स्टूडेंट्स को या बीएससी पास आउट फ्रेशर्स को कंपनियां जॉब पर नहीं रखती हैं। तो उसके लिए एग्री एग्रो लाए हैं एग्री एग्रो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या लाए हैं? एग्री एग्रो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारे है ना 4 कोर्सेज हैं और हमारे यहां से ही आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। आपको ये कोर्स करने के बाद 100% जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। दोस्तों हमारे यहां पर मुख्यतः 4 कोर्स हैं जिसमें आप 4 तरीके के अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है हमारे यहां पर वो है सीड प्रोडक्शन एंड सीड प्रोसेसिंग। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये हमारा खुद का सीड प्रोसेसिंग का प्लांट है, सीड प्रोडक्शन का प्लांट है। यहाँ पे आप सीड कैसे तैयार होता है, बीज कैसे तैयार होता है, बीज का उत्पादन कैसे होता है, उसकी सॉर्टिंग कैसे होती है, ग्रेडिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, विस्तार से सीख पाएंगे। साथ ही आप अपनी कंपनी कैसे, अपनी बीज की कंपनी खोलना चाहते हैं तो वो कंपनी को कैसे रन करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग बनाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाया हुआ है, यही सब हम आपको सिखाने वाले हैं। ये एक प्रॉपर स्किल है। जब आप सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, सीड ग्रेडिंग, सॉर्टिंग ये सब सीख जाओगे तो आपके पास एक स्किल होगा और आपको कोई भी सीड प्रोडक्शन कंपनी हायर कर लेगी। जब आप बीज प्रोसेसिंग करना सीख जाएंगे, बीज उगाना सीख जाएंगे, बीज तैयार कराना सीख जाएंगे, ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो आपको गारंटेड जॉब मिलनी है और हमारे यहां से आपको गारंटेड जॉब मिल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो और इसका एक बहुत ही हमने फीस भी बहुत नाम मात्र का रखा है, जिससे कोई भी विद्यार्थी इसको वहन कर सकता है और कोई भी विद्यार्थी इसको आसानी से दे सकता है। बहुत ही कम है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और या एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या पास आउट है तो उनके लिए जो फीस है 6,000 रुपए है। ये 6,000 रुपए आपको फीस देना है हमें और वन टाइम फीस है, इससे इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना। और अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर नहीं किया है, एमएससी एग्रीकल्चर नहीं किया है और अन्य सब्जेक्ट से हैं आप, जैसे आप पीसीएम से हैं या हिंदी बोर्ड से हैं, तो आपको 25,000 रुपए हमें फीस देना होगा। 25,000 अगर बीएससी एग्रीकल्चर है तो 6,000 रुपए, और आप ग्रेजुएट हैं अन्य सब्जेक्ट से तो आपको फीस जो देना होगा वो देना होगा 25,000 रुपए। पहला कोर्स आप समझ गए आपको क्या। दूसरा, इसी में दूसरा जो हमारा कोर्स है विद्यार्थियों के लिए वो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम। इसमें आप है ना देख पा रहे होंगे हमारा एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का यूनिट है, हमारा खुद का नर्सरी है एग्री एग्रो का। यहाँ पे पूरा आपको सीखने का वातावरण मिलेगा, जिससे कि आप अपनी ऑर्नामेंटल प्लांट हुए या फिर आपके फॉरेस्ट्री प्लांट हुए, फ्रूट प्लांट हुए, डेकोरेशन प्लांट, ये सारा आप प्रोडक्शन करना यहाँ पे हमारे यहाँ सीखेंगे। साथ ही नर्सरी कैसे रन करते हैं, नर्सरी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें आप हमारे यहाँ सीखेंगे। हॉर्टिकल्चर करने के बाद गारंटेड आपको 100% जॉब मिल जाएगा। ये आप इंटर्नशिप कर लेंगे, 45 डेज का आपका इंटर्नशिप रहेगा और इसका जो फीस है वो 5,000 रुपीज फीस है, वो 5,000 रुपए आपको हमें देने हैं। बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है एंड एमएससी एग्रीकल्चर, जो जिसका कृषि से बैकग्राउंड है।
और आपको गारंटेड हमारे यहां से जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं तो हम आपकी फीस का दोगुना आपको वापस करेंगे अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। इसी में दोस्तों तीसरा जो हमारा स्किल्ड कोर्स है जिसमें आपका जो स्किल डेवलपमेंट होगा वो है हमारा ग्रीन हाउस पॉली हाउस। आप देखते हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पे पॉली हाउस ग्रीन हाउस कंपनी तो इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनीज में से हमारी कंपनी आती है आर एन एग्री एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। टॉप 10 इंडिया में जो ग्रीन हाउस बनाने वाली कंपनी है, पॉली हाउस बनाने वाली कंपनी है, उसमें हमारी कंपनी का नाम टॉप 10 कंपनीज में से आता है। तो यहां पर हम उन लोगों को ग्रीन हाउस बनाना, ग्रीन हाउस डिजाइन बनाना, ग्रीन हाउस में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कैसे होता है, पॉली हाउस में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कैसे होता है, नेट हाउस में कैसे होता है, कैसे एग्जॉटिक वेजिटेबल ग्रो करते हैं, कैसे पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च है या फिर येलो शिमला मिर्च है, ये सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की खेतियां कैसे होती हैं, पॉली हाउस मैनेजमेंट कैसे होता है, पॉली हाउस पे सब्सिडी कैसे मिलती है, और साथ ही अगर आप अपनी पॉली हाउस की कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो कैसे स्टेबलाइज करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारा हम इस कोर्स के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो और दोस्तों इस कोर्स की जो फीस है वो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए फीस है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। और जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है और कृषि से उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ये 3 महीने का कोर्स है और इसकी जो मिनिमम फीस है वो है 30,000 रुपीज। 100% आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा या अपना खुद का बिजनेस भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, कैसे आपको बैंक से लोन मिलेगा, ये सब हम आपको इस कोर्स के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों ये आपने अगर आपके ये स्किल डेवलप हो गए तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में अब जॉब मिलना ही मिलना है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हमारा एक चौथा कोर्स है जिसमें है फार्म मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों? फार्म मैनेजमेंट। जो बड़े बड़े फार्म होते हैं दोस्तों वो कैसे मैनेज होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, बड़े बड़े फार्म हैं कैसे मैनेज होते हैं, कैसे वहां पर जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा फार्म है तो उस फार्म को कैसे मैनेज कर मैनेजमेंट रखना है, क्या क्या वहां पे एक्स्ट्रा है, तो हम आपको कुछ बड़े फार्म की विजिट कराएंगे और बड़े फार्म के बारे में बताएंगे कैसे इनको मैनेजमेंट रहता है और वहां पर बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, तो वो भी हम आपको प्लेसमेंट देने वाले हैं। तो ये तो हम आपको ऐसे ही विजिट करा देंगे, इसका कोई चार्जेज वार्जेज नहीं है। अगर कोई भी आना चाहता है तो ये जो तीनों कोर्स ज्वाइन करेगा तो ये तो हम उसको कराने वाले ही हैं। तो आपने ये वीडियो अगर अंत तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको जॉब मिलेगा। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर को कॉल कीजिए, या जो आपके सुपरवाइजर हैं जिनके माध्यम से ये आपको वीडियो पहुंचा है, या आपसे जिनकी बात चल रही है उनसे बात करें और बैच की किस डेट से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, किस डेट को बैच स्टार्ट होते हैं, तो ये सारी जानकारी आप हमें फोन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।